चलिए तो फिर अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं। पर हमने इंसर्ट टैब में स्लाइसर और टाइमलाइन तक बता दिया था आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक अपन ने एमएस वर्ड में पढ़ा था क्या काम होता है, कोई अदर लिंक आपको इसमें लिंक करके रखना है उसके लिए। तो यहाँ पे हाइपरलिंक लेने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कोई टेक्स्ट। आप किसी टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं, खाली भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे जैसे कि कब आप इसका यूज कर सकते हो वो हम आपको बताते हैं। हम फाइल पर जाते हैं, ओपन पर जा रहे हैं, यहाँ से हम एक्सेल ओपन अपनी शीट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि ये मार्कशीट है, ठीक है। मार्कशीट वाले में आप चाहते हैं कि जब हम इनके नाम पर क्लिक करें, किसी भी स्टूडेंट के नाम पर क्लिक करें, तो हमें उसका फोटो दिख जाए, या फिर अदर किसी में भी आपको जो भी कोई डॉक्यूमेंट लिंक करके रखना है, तब आप यहाँ पे हाइपर लिंक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस वाले कॉलम, इस वाले सेल को सिलेक्ट किया है, हम यहाँ से इंसर्ट पर जा रहे हैं, हाइपर लिंक पर जा रहे हैं। ठीक है, आप जैसे ही हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या सिलेक्ट है, 2.5 से 3 वाला फोल्डर सिलेक्ट है। अपन को कोई अदर फोल्डर सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। अब आपके सामने सभी ड्राइव आ गई, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। ठीक है, अपने वॉलपेपर किस में रहते हैं, एप ड्राइव में। ठीक है, अपन यहाँ से एप ड्राइव सिलेक्ट करेंगे, देखिए आ गया लोकल डिस्क ड्राइव। ठीक है, इसके अंदर अपन किसके अंदर जाना चाहते हैं, वॉलपेपर वाले फोल्डर के अंदर। तो अपन यहाँ से डबल क्लिक करेंगे वॉलपेपर पर, देखो वॉलपेपर वाला फोल्डर आ गया। कौन सी पिक्चर लगानी है ये आपको पहले से पता होना चाहिए, यहाँ से आप प्रीव्यू नहीं देख सकते कि कौन सी पिक्चर लग रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस नाम से है, जैसे कि आपको पता है डॉल नाम से है, ये इनकी पिक्चर है, आप सिलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे, देखो कलर चेंज हो गया। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर बाकी कहीं पर भी आप माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हो तो क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इस नाम के ऊपर माउस पॉइंटर लेकर आ रहे हो तो चेंज हो रहा है। आप इस पर क्लिक करो, देखो यहाँ पर पिक्चर खुल गई, आया समझ में। इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी हाइपर लिंक लगाकर रख सकते हो। जब आप किसी हाइपर लिंक को एक बार ओपन कर लेते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप बिना कुछ लिखे भी खाली जगह पर हाइपर लिंक लगाते हैं तब क्या होता है, हम हाइपर लिंक पे जा रहे हैं, कहाँ से ले रहा है आपको, मान लीजिए इस बार आपको लेना ई ड्राइव में से, आप ई ड्राइव में जाएंगे, क्या लिंक करना है आपको, फोल्डर भी आप लिंक कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया फोटो, फोटो वाला फोल्डर हमें लिंक भी करना है, हमने यहाँ से फोटो सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, देखो ये इस तरह से आएगा, उसकी पूरी लोकेशन दे देगा। ई मतलब ई ड्राइव के अंदर फोटो नाम का फोल्डर है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो फोटो वाला फोल्डर खुल गया। इस तरह से आप कर सकते हो, आया समझ में। हाइपर लिंक का यूज आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई किसी का आधार कार्ड लिंक करना है यहाँ पे, या फिर कोई अदर फाइल लिंक करनी है। अब जैसे ये तो हो गया फोटो लिंक करना, अगर जैसे कि आप चाहते हो कि इसके अंदर आपको कहीं पे भी कोई जो है डॉक्यूमेंट लिंक करना है, जैसे कि कोई वर्ड की फाइल खुल जाए, एक्सेल की फाइल खुल जाए, या फिर कोई पावर पॉइंट की फाइल खुल जाए, तो आप किसी भी जगह पर क्लिक करो, हाइपर लिंक पर जाओ। ठीक है, जैसे कि ये वर्ड की फाइल है, ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करोगे, कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर ये वर्ड का आइकन आ रहा है, एमएस वर्ड का आइकन, आप यहाँ से ओके कर दोगे, देखो यहाँ पर आ गया हाइपर लिंक, क्लिक करोगे तो एमएस वर्ड की फाइल खुल जाएगी आपके सामने, जो अपन लिंक करेंगे वो ही आ जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे, कोई डाउट। इसके अलावा अगर आप इस हाइपरलिंक को रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो या तो आप पूरा टेक्स्ट डिलीट कर दो डिलीट बटन से, और फिर कुछ भी लिखोगे देखो फिर भी आ रही है हाइपरलिंक, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और आप यहाँ से जाओगे रिमूव हाइपरलिंक पर, इसी के ऊपर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रिमूव हाइपरलिंक। ठीक है, अभी हाइपरलिंक नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, भले वो आपको टेक्स्ट इस तरह से दिखा रहा है, ये हाइपरलिंक नहीं है, हाइपरलिंक ये है जिस पर हैंड टूल बनता है ना, वो हाइपरलिंक रहते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट हाइपरलिंक, ओपन हाइपरलिंक, रिमूव हाइपर, आप ओपन हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, हाइपरलिंक ओपन हो जाएगी। आप एडिट यानी कि इसको चेंज करना चाहते हो तो राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक पर जाओगे, ये देखो चेंज करने का ऑप्शन दे दिया, ओके कर दो, चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो, ये देखिए पीडीएफ कर ली थी हमने, तो पीडीएफ आने लगी, आया समझ। ठीक है, इसके अलावा आप इस पर राइट क्लिक करोगे, आप हाइपर लिंक हटाना चाहते हो, टेक्स्ट तो रहे लेकिन हाइपर लिंक हट जाए, तो आप जाओगे रिमूव हाइपर लिंक पर, देखो रिमूव हो गई, हटे।
इस तरह से आप कर सकते हो, इतने में कोई डाउट है? ठीक है, अब आपको कोई किसी वेबसाइट की लिंक देनी है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर आपने कोई लिस्ट बनाई है, उसमें आपको कोई वेबसाइट की लिंक देनी है, जैसे कि आप चाहते हो अपने यूट्यूब चैनल की या फिर किसी वीडियो की लिंक देनी है, तो अपन यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, इसको सिलेक्ट करो, इसके बाद कहाँ जाएंगे अपन, इसको मिनिमाइज करेंगे, इंटरनेट पर जाएंगे। ठीक है, इंटरनेट पर जाने के बाद आप सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, जो जिसमें भी आपको चाहिए, हमने क्या सर्च, परिजन कल्याण समिति। ठीक है, हम चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक देनी है, तो हम हमारे चैनल के अंदर गए, या फिर किसी वीडियो की देनी है तो आप वीडियो के अंदर जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिंक आती है, सभी को पता है यहाँ पर क्या होती है, इसका URL रहता है, तो हम क्या करेंगे इसी को, चलिए हम यहाँ से ये नहीं देते, हम किसी वीडियो की लिंक देते हैं, जैसे कि हमने ये वीडियो खोली, हम चाहते हैं कि जब भी हम उस लिंक पर क्लिक करें डायरेक्ट ये वीडियो आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर URL दिया रहता है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, इसके बाद एक्सेल में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके हाइपर लिंक पे जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस आता है, यहाँ से आपको कुछ सिलेक्ट करना नहीं है, बस यहाँ पे एड्रेस आता है ना, यहाँ पर आपको करना है कंट्रोल भी और ओके, देखो आ गई लिंक। जब आप यहाँ पर, हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो भी डिफॉल्ट में ब्राउजर सिलेक्ट होगा उसमें वो पहुंचा जाएगा। ठीक है, अब ये किसमें खुल रही है, माइक्रोसॉफ्ट, ये आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज इज नॉट लॉन्गर सपोर्टेड ऑन दिस वर्जन ऑफ विंडोज अपग्रेड, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें डिफॉल्ट में माइक्रोसॉफ्ट एज सिलेक्ट है, अगर आप और कोई सा वर्जन सिलेक्ट कर दोगे ना तो आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप नीचे करके देख लेना आ जाएगा, क्लियर है, कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स का, हेडर एंड फुटर का, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट, ये सभी अपन ने एमएस वर्ड में भी पढ़े, हम आपको एक बार रिपीट करा देते हैं। टेक्स्ट पर जाएंगे, टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं आपका माउस पॉइंटर चेंज हो गया, आप यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये इस तरह से, आपको इसके ऊपर कुछ लिखना है इसमें तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज है एक्सेल में, इसका यूज ये रहता है कि आप इसको उठाकर कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है, इसका एमएस वर्ड में ज्यादा यूज होता है, फिर भी अगर आपको एक्सेल में भी करना है तो आप कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पर जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हो, फॉर्मेट पर जाओगे, आप देखोगे यहाँ पर सेव से रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे, आप इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, वो सभी आप यहाँ से कर सकते हैं, और कोई शेप आपको इसके अंदर बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये कब आएगा ये ऑप्शन फॉर्मेट वाला, जब ये टेक्स्ट बॉक्स आप सिलेक्ट करोगे तब आए। ठीक है, क्लियर है, आपको आया समझ में, आ गया? ठीक है, तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको हेडर एंड फुटर, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारी जो शीट है, आप यहाँ पर आपने मार्कशीट बनाई, क्या आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है मार्कशीट, और आप यहाँ पर नीचे चले जाइए, कितने भी नीचे चले जाइए, क्या आपका पेज एंड हो रहा है, नहीं हो रहा, जब आप यहाँ पे आगे चले जाइए, क्या आगे भी आपका पेज एंड हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप एक्सेल में कोई प्रिंट दोगे, जब आप यहाँ पे कोई प्रिंट दोगे तो क्या पूरी शीट एक साथ प्रिंट हो पाएगी, अगर हो भी जाएगी तो आप बताओ क्या पूरा आपको जैसे नॉर्मल दिखता है वैसा दिख पाएगा। ठीक है, आप एमएस वर्ड का कोई भी पेज प्रिंट में निकालते हो, एक्सेल का या किसी का भी निकालते हो, वो निकलता है इतने बड़े में, ये A4 में। ठीक है, अब चाहे इस पर आप बड़ा डाटा ले लो या छोटा ले लो, निकलना इतना ही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो हम यहाँ पे कंट्रोल पी कर रहे हैं, प्रिंट देने के लिए हम क्या करना है कंट्रोल पी, तो आप देख रहे हैं आपका पूरा डाटा नहीं आ रहा है इस पे, यहाँ तक सिर्फ नंबर तक आ रहा है, आगे का डाटा आपको बता रहा है 1 of 5, 5 पेज बता रहा है यहाँ पर, आप नेक्स्ट करिए, देखिए आधा डाटा आपका इस पेज पर जा रहा है, आधा इस पेज पर जा रहा है, आधा इस पेज पर जा रहा है। एक्सेल पर क्या होता है, अलग अलग आपको दिख रहा है, दिख तो पूरी एक सीट है, लेकिन इसमें एक ही सीट अलग अलग पेजेस में डिवाइड है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपको व्यू दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, अभी आप किसमें हो, नॉर्मल में, आपको देखना आपका एक पेज पर कितना डाटा आएगा, तो बीच में आपको पेज लेआउट व्यू दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं।